नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएमबीसी आवाज पर। क्या होगी आज की रणनीति, हमारे जानकारों की उस पर करेंगे बातचीत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन। और भारतीय बाजारों में आज सुबह से ही काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। खुले ऊपर फिर फिसले, फिर पॉजिटिव टेरिटरी में आए और एक बार फिर दबाव के घेरे में बाजार। 29 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी पर। निफ्टी बैंक का हाल देखेंगे तो ये भी करीब करीब अब 39 पॉइंट्स की गिरावट पर कर रहा है कारोबार। और ऐसी ही वॉलेटिलिटी दरअसल आज मिड कैप इंडेक्स में भी नजर आ रही है, जो इस समय 53 पॉइंट की ही बढ़त दिखा रहा है। ये पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहा है, लेकिन जो हेडलाइनर इंडाइसेस है यानी कि निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक, साथ ही सेंसेक्स, इन सब में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो उससे एक अंदाज़ा लगेगा कि कहां से तेजी है और कौन से स्टॉक्स कर रहे हैं ड्रैग। आज का ऑफकोर्स एक बड़ा एक्सीडेंट बजाज फाइनेंस है, स्टॉक 4.25% नीचे है। इसके अलावा ITC से भी बना है दबाव, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कल पूरे फॉर्म में था वो एक बैकफुट पर, और ये दरअसल कर रहा है ड्रैग। कल तेजी में इनफैक्ट HDFC बैंक भी था, आज वो 0.5% के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। तेजी कहाँ पर है, इंफोसिस, भारती एयरटेल, HUL और ONGC। तो ONGC के कल के गेंस आज फिर बरकरार हैं, वो स्टॉक 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो क्या होगी हमारे जानकारों की रणनीति, किस तरह के सौदों पर करेंगे ये फोकस, इस सब पर होगी बातचीत। हमारे साथ हमारे तीनों ही मेहमान दरअसल तैयार हैं, मैदान में है प्रशांत सावंत, रूपक डे और वीरल छेड़ा। पहले तीनों के जो कल तक के रिटर्न्स है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रूपक लीड कर रहे हैं 6% के गेंस के साथ, दूसरे स्थान पर प्रशांत और 0.56% के रिटर्न्स वीरल के बनते हुए। आज के लिए क्या रणनीति रहेगी वीरल, बताइए अप्रोच क्या होगी, क्योंकि कल बहुत बढ़िया तेजी का दिन था लेकिन आज काफी वॉलेटाइल हो चला है बाजार। या गुड मॉर्निंग, अगर निफ्टी हम देखेंगे तो आज गैप ओपन हुआ था, वहां से हमें थोड़ी गिरावट देखने मिली और अभी देखेंगे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। नीचे में देखेंगे तो उसको 21600 का सपोर्ट से अगर ये सब इंटैक्ट रख रहे हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ से फिर से हमें रिकवरी देखने मिल सकती है। और आज का हाई क्रॉस करने पे ऊपर में मुझे लग रहा है 21900 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज रहेगा, पर एंड ऑफ डे मुझे लग रहा है यहाँ से प्लस में बंद हो सकता है निफ्टी। कुछ पुल बैक की उम्मीद आपकी है तो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होने के आसार है। रूपक आप कैसे पढ़ रहे हैं इस बाजार को? जी, मार्केट आज थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकते हैं, इवन आज नहीं, आज अगला एक दो दिन भी वोलेटाइल रह सकते हैं मार्केट, बट मोर ऑर लेस पॉजिटिव रहना चाहिए, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो 45,300 का सपोर्ट रहेगा और 45,550 के ऊपर बैंक निफ्टी आता है तो स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी बाय साइड में रहेगा और हाउएवर इंडेक्स से बाहर ही मेनली मैं स्टॉक पिक करूंगा। इंडाइसेस से बाहर ही स्टॉक पिक्स आते हुए दिखाई देंगे। प्रशांत आपकी अप्रोच आज के लिए? तो हर्षा जी, फिलहाल मुझे लग रहा है कि ऑल्दो हम एक रेजिस्टेंस के काफी करीब जा रहे हैं, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्ट्रेंथ है स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में, तो मैं वहां पे ही मोमेंटम चेस करूंगा और फिलहाल वही रणनीति रखूंगा जो कल रखी थी। मोमेंटम के साथ रहेंगे प्रशांत आज। चलिए कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिनमें सबसे ज्यादा कमाई हुई है। एक तो प्रशांत का अशोका बिल्डकॉन, 6% के रिटर्न्स देकर गया। रूपक ने GIC RE जोड़ा था, उसमें 4.5% के रिटर्न्स बने और वीरल का हिंदुस्तान कॉपर करीब 2% तक के रिटर्न्स कमाकर गया है। अशोका बिल्डकॉन अभी भी होल्ड कर रहे। प्रशांत का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अशोका बिल्डकॉन इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा अभी भी है और फैक्ट में भी पोजीशन इनकी बनी हुई है। आज सुबह में डिलीवरी में प्रॉफिट बांधा है 430 के लेवल्स पर, कल JK पेपर का ट्रेड काट लिया था। नया सौदा क्या रहेगा आपका प्रशांत? तो हर्षा जी, यहाँ पे मैं जो कल रूपक ने चूज किया था GIC RE, उसमें लॉन्ग जाना चाहूंगा, बाय करना चाहूंगा। करंटली 382-383 के जोन में चल रहा है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 360 का और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 440-440 का। ओके, 440 के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक ने छोड़ा तो दूसरे ने लिया, कल प्रॉफिट अच्छा बना है। रूपक का इस ट्रेड में 377 पर बुकआउट कर चुके थे, आज 383 के लेवल्स है, 440 नया टारगेट रहेगा जो प्रशांत के पोर्टफोलियो में अभी स्टॉक आ रहा है और 360 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। रूपक ने NMDC के ट्रेड को कैरी किया, GIC पर तो हम अब बात कर चुके हैं, MRPL और REC में आज सुबह में मुनाफा बुक किया है। पहले तो एनी रिग्रेट्स ऑफ लेटिंग GIC गो रूपक? जी हाँ, मैं भी सोच रहा था वापस एक बार इंट्रोड्यूस करूँ GIC RE को, बट प्रशांत ने दे दिया,
तो मैं देना चाहूंगा कोचिन शिपयार्ड जो एक अच्छा रैली के बाद कंसोलिडेशन फेज से जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार एक स्पाइक आना चाहिए स्टॉक में जो वो स्टॉक को 1000 तक लेके जाएगा शॉर्ट टर्म में, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 854 पे। 854 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ये तेजी वाला ट्रेड इस समय का बनता हुआ दिखाई देगा। टारगेट दोहराएंगे प्लीज आप। टारगेट रहेगा 1000। 1000 का टारगेट इन्होंने कहा कोची शिपयार्ड में आएगा। इनफैक्ट कोची शिपयार्ड के आई थिंक आज नंबर्स आने वाले हैं, तो उससे पहले अच्छी खासी हरकत और एक्टिविटी स्टॉक में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ये ट्रेड आप होल्ड करेंगे। चलिए अब वीरल का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। वीरल ने क्या कुछ ट्रेड कैरी किया है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा हिंदुस्तान कॉपर और NTPC, ये दो ट्रेड्स हैं जो ये कैरी कर रहे हैं, और इन्होंने LNT और संवर्धन में अपनी पोजीशंस बुकआउट कर ली हैं। वीरल आज का नया सौदा? आज हम भी कोचिंग शिपयार्ड पे कॉल देना चाह रहे थे पर रूपक जी ने लिया है, तो हम अभी दूसरा स्क्रिप्ट में न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे देना चाहेंगे। वॉल्यूम बेस अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट भी दिया गया है, लग रहा है यहाँ से ऊपर में 280 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, तो ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 229 का रहेगा। 29 का स्टॉप लॉस और 280 का टारगेट न्यू इंडिया अश्योरेंस, ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड आता हो, और काफ़ी दिनों बाद दरअसल स्टॉक की चर्चा हो रही है। ये बाय साइड का ट्रेड इस समय जो वीरल ने दिया है, वैसे वो कॉमन फैक्टर कोची शिपयार्ड था और GIC आ रही थी, तो ये आप देखिए क्या फिलहाल थीम उभर कर आ रही है हमारे जानकारों की तरफ से। इस बीच न्यू इंडिया अश्योरेंस 280 के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है। इनफैक्ट रूपक एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं। रूपक कुछ आइडेंटिफाइड है या फिर दोपहर तक का इंतजार करेंगे? हाँ, दोपहर तक इंतजार करेंगे। ओके, तो दोपहर तक का इंतजार करेगा, तब तक आपके जो ट्रेड आए हैं उसका उनको थोड़ा टाइम देते हैं, पकने देते हैं, देखेंगे वहां पर किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं। लेकिन इस रिजल्ट सीजन में फोकस करते हैं RR काबिल पर। नतीजे आ चुके हैं, अनुमान से थोड़ा सा परफॉर्मेंस फीका रहा है। थर्ड क्वार्टर में मुनाफा फ्लैट रहा, इबिट्टा में 6% का दबाव देखने को मिला, मार्जिन इनफैक्ट 8% के ऊपर थे, ये घटकर करीब 6.9% पर आए हैं। अब इनकी वायरिंग बिजनेस में ग्रोथ है, लेकिन FMEG में प्रेशर देखने को मिला है, वहां पर लॉस बरकरार है। हमारे साथ कंपनी के CFO राजेश जैन है। राजेश जी, ऑपरेशनली कुछ कमजोरी देखने को मिली है, क्या वजह है इसकी? गुड मॉर्निंग हसरा जी, एंड धन्यवाद आपके चैनल पर हमें बुलाने के लिए। अगर हम हमारा परफॉर्मेंस देखें तो जैसा आपने बताया कि टॉप लाइन में तो हमारी 10% की ग्रोथ रही है, और इसमें वायर एंड केबल और FMEG दोनों का ही कंट्रीब्यूशन इक्वल रहा है करीब करीब। इस अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हमारी 8% की ग्रोथ है, बट ओवरऑल अगर FMEG देखें तो हम 20% ग्रोथ हुए हैं, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा है। और सेम वे वायर एंड केबल में भी जो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ है वो दोनों ही 20% है, जब हम 9 महीने से 9 महीने कंपेयर करते हैं। मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर है, और उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा कॉपर प्राइस की वॉलेटिलिटी के कारण भी थोड़ा इफेक्ट आया है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी जो गाइडेंस है या जो हमारे प्लान्स है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो यहाँ से फिर क्या आप डिलीवर कर पाएंगे, खासतौर से वायर एंड केबल बिजनेस में जो आपका प्राइमरीली कोर बिजनेस रहा है, ईयर ऑन ईयर करीब 9% तक की ग्रोथ है, ये Q4 में क्या रिफ्लेक्शन होगा? तो हर्षदा जी, अगर देखें हम कि इवन ईयर ऑन ईयर में भी जब हम ग्रोथ देख रहे हैं कि 10% रेवेन्यू बढ़ा या वॉल्यूम वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि पिछले साल का जो Q3 था वो एक हायर बेस पे था, और उसके बावजूद भी हमने 9% की या 10% की ग्रोथ की है, और ओवरऑल ईयरली बेसिस पे जब 20% वॉल्यूम ग्रोथ हम अचीव कर पाए हैं, तो हमें आगे भी विश्वास है कि हम ये मेंटेन ग्रोथ को मेंटेन करेंगे और 20% की ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे ईयरली बेसिस पर। आपने कहा कॉपर वायर के प्राइसेस में कुछ इजाफा था, तो उसका असर मार्जिन्स पर पड़ा है, क्या ये इसी क्वार्टर की स्थिति थी या फिर अभी भी ये प्राइसेस में प्रेशर डाल रहे हैं, कॉपर का जो इनपुट कॉस्ट आपका बढ़कर आया है? पिछले क्वार्टर में करीब 5% की कॉपर प्राइसेस में वृद्धि हुई थी, इसमें से मेजर पार्ट हम पास ऑन कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक टाइम गैप जो रहता है कि सपोज पिछले 15 या 20 दिन का जो एवरेज रहता है उसके बाद अगर प्लस या माइनस 3% होता है तो हम प्राइस लिस्ट चेंज करते हैं, तो इसके कारण एक थोड़ा सा टाइमली इम्पैक्ट टाइम का इम्पैक्ट होता है, बट ओवरऑल ये पास ऑन हो जाता है। और अगर अभी का कॉपर प्राइस का ट्रेंड देखें तो जनवरी में शुरू के 20 दिनों में थोड़ा डाउन था प्राइसेस, बट अगेन पिछले एक सप्ताह से वो ऊपर है, और आगे भी ये लगता है कि एवरेज बेसिस पे मेंटेन है कॉपर की प्राइसेस।
सर, एफएमईजी बिजनेस में डिमांड सिचुएशन क्या उभर कर आ रही है उसका अगर एक अंदाजा हमें दे सके, और यहाँ पर ये लॉसेस कम होने के कब तक आसार हैं? अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो पहले तो हमारी एफएमईजी में जो ग्रोथ हो रही है, हमारा बेस थोड़ा छोटा है, बट उसके बाद भी 20% से ग्रो कर रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री हार्डली 8 से 10% ग्रो हो रही है, और कई सारे जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो नेगेटिव ग्रोथ में है। उसके बावजूद हम 20% ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं, और इसका एक रीजन ये भी है कि आगे भी है जो हमारा फोकस है कि नए प्रोडक्ट्स जो कि काफी एडवांस रहेंगे और उनको हम इंट्रोड्यूस करते रहेंगे आगे। और जो प्रॉफिटेबिलिटी की जहां तक बात है, एफएमईजी एक टफ बिजनेस है, और इसके बावजूद आज भी हम जो लॉसेस को कम किया है, तो ये जो अभी पॉजिटिव तो नहीं आए हैं, लेकिन एटलीस्ट लॉस इस क्वार्टर में भी कम रहेंगे और काफी नीचे आ जाएंगे, और बहुत जल्दी हम प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। ये कब तक हो पाएगा? ये अगले फिस्कल तक का टारगेट रहेगा क्या, एफएमईजी में प्रॉफिटेबिलिटी? अगले फिस्कल में हम एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर Q4। अच्छा, आपसे इजाजत ले उससे पहले, खास बजट से लेकर कुछ खास अपेक्षा है क्या? ऑफ कोर्स ये इंटरिम बजट है, लेकिन हमने देखा ये कैपेक्स पर ज्यादा खर्च कम सरकार करने का अनुमान सबका है, ये तो आपके बिजनेस के लिए भी एक पॉजिटिव रहेगा? हर्षदा जी, इसमें ऐसा लगता है कि दो चीजें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जिस तरह से कैपेक्स पे सरकार का फोकस है, और साथ में हमें यह भी लगता है कि रेजिडेंशियल सेक्टर जो है, जो भारत की एक बहुत बड़ी जरूरत है कि लो इनकम ग्रुप और मीडियम इनकम ग्रुप के लिए जिस तरह से हाउसिंग पे फोकस है, और सरकार ने इसमें बहुत काम किया और आगे भी करती रहेगी, इसलिए हमें लगता है इस पर अगर सरकार आगे प्रोत्साहन दे तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहेगा और देश के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इनफैक्ट कैपेक्स पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर सरकार का जो अब तक रहा है वो बरकरार रहना चाहिए। शुक्रिया राजेश जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर Q4। चलिए काम करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एक रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर वन के ट्रेड्स का, और साथ ही साथ तेजस नेटवर्क के मैनेजमेंट से भी रूबरू हुए थे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा, उस चर्चा का भी अंश आपके सामने करेंगे पेश। वन और इस बीच रूपक ने इनफैक्ट एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है, तो दोपहर तक का इंतजार नहीं कर रहे हैं। रूपक बताइए क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? मेरा अगला ट्रेड रहेगा आईगुल हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक एक शार्प करेक्शन के बाद स्टेडीली रिकवरी दे रहा है, और आवर्ली चार्ट पे देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 235 तक जा सकता है स्टॉक, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 204 पे। 204 का स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं, और 235 तक का टारगेट रहेगा इंडिया बुल हाउसिंग, ये वो ट्रेड आया है। चलिए, तो ये जब तक कैलिब्रेट होता है और आपके पोर्टफोलियो के साथ जुड़ता है, तब तक मैं इनफैक्ट जैसे मेंशन किया था ब्रेक से पहले कि तेजस नेटवर्क के मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई, कंपनी कह रही है क्षमता विस्तार के लिए ये अतिरिक्त निवेश करते हुए दिखाई देंगे, और उसी का इनफैक्ट चलते हमने देखा है प्रॉफिट पर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। आपको याद होगा इस बार ही मुनाफा थोड़ा सा फीका था, इनफैक्ट लॉस देखने को मिला था। कंपनी के विस्तार योजनाएं लेकिन क्या है, ऑर्डर बुक की पोजीशन क्या है, इसी पर कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अर्नब रॉय से हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने बात की। हमारे साथ इस वक्त तेजस नेटवर्क के अर्नब रॉय हैं। सर, सबसे पहले तो आपके रिजल्ट्स के बारे में बात करें, इस बार कंपनी का थोड़ा रिजल्ट्स वीक रहे, घाटा बढ़ा है कंपनी का, क्या वजह रही उसके पीछे? सो एज वी अनाउंस्ड, हमारा रेवेन्यूज तो काफ़ी बढ़ चुके हैं, इन आवर रेवेन्यू अप हो रहा है, और लेकिन उसके साथ क्या है, हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में, बोथ इन R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज वी आर लुकिंग एट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर वेर वी आर गोइंग टू स्केल अप द कंपनीज बिजनेस। तो उनके लिए प्रोडक्ट्स को इवॉल्व करना है, प्रोडक्ट का जो रोड मैप है, नया टेक्नोलॉजी लाना है, उसको एक्सेलेट करने के लिए हमने काफ़ी हमारे R&D इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज किया है, प्लस हमारे जितना बिजनेस है BSNL 4G एंड द अदर प्रोजेक्ट्स, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी काफ़ी स्केल अप करना था, तो उस पर भी इन्वेस्ट किए हैं, बिकॉज वी आर वेरी यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ आवर फ्यूचर बिजनेस। सो उसी लिए दैट इफेक्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट हैज़ कम इन इज शोइंग इन आवर बॉटम लाइन। एंड दूसरी बात है कि हमने जो लास्ट क्वार्टर में जितना शिपमेंट किए हैं, वहाँ पे एक नेटवर्क में होता है कि देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो मार्जिन प्रोडक्ट्स, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, जिसके जैसे ब्लेंडेड मार्जिन, जैसे हमारे कंपनी मार्जिन होते हैं, तो वहाँ पे लास्ट क्वार्टर का शिपमेंट ऐसे हुआ है कि लॉट ऑफ द लो मार्जिन पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क, आई मीन उसके जो प्रोडक्ट्स है उनके शिपमेंट ज़्यादा हुआ है, बाकी नेटवर्क का भी होगा, तो मतलब एज वी गो अलॉन्ग विद द फ्यूचर यू नो विल सी द ब्लेंडेड इफेक्ट कमिंग इन टू द पिक्चर। सो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर हमारा EBITDA लॉस था,
But you know, as we go forward, lot of the expense increase, expense structure ka wo neutralize ho jayega and the revenue growth will. Sir, abhi order book ki baat karo to kis tarah ki aapke order book hai? BSNL se bhi 107 crore ka aapko additional order mila, kis cheez ke liye mila? Wo jo additional order for additional network build out for additional base stations ka jo banana hai, uske liye add on order aa raha hai. To as and when the network gets deployed and built, there will be many other places jahan pe coverage aur bhi chahiye hoga. So it's part of that kind of, it's part of the same project where additional base stations coverage jahan pe chahiye. इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए करती रहेगी। चलिए इस बीच खिलाड़ी नंबर वन का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वीरल, प्रशांत और रूपक ने जो ट्रेड्स दिए हैं, किसको कितना फायदा मिल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रशांत ने एक ही ट्रेड जोड़ा है, वो है GIC 440 का टारगेट है, 360 स्टॉप लॉस। अशोका बेलकॉन को कैरी कर रहे हैं, 210 का टारगेट है और 155 का स्टॉप लॉस। फैक्ट भी इन्होंने कैरी ही किया है, 975 का टारगेट है, 825 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है? फैक्ट ड्रैग कर रहा है, अशोका बेलकॉन 5.5% जोड़ रहा है, इनके लिए 0.13% का योगदान GIC दे रहा है। अब आते हैं वीरल के पोर्टफोलियो पर, तो वीरल ने भी एक ही नया ट्रेड जोड़ा है, वो है न्यू इंडिया अश्योरेंस, 280 टारगेट, 229 स्टॉप लॉस है। हिंदुस्तान कॉपर ऐड किया इन्होंने, 315 का टारगेट, 274 का स्टॉप लॉस। NTPC फिर जोड़ा, 345 का टारगेट और 304 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स NTPC 0.14%, हिंदुस्तान कॉपर 0.7% एंड न्यू इंडिया अश्योरेंस हल्की सी मुनाफा वसूली में है इस समय। अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर, तो दो ट्रेड्स आ गए, एक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो अभी अभी ऐड किया, 235 टारगेट, 205 का स्टॉप लॉस है। कोची शिपयार्ड 1000 का ट्रेड टारगेट है, 854 स्टॉप लॉस। और NMDC 250 का टारगेट, 215 का या 214 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन, NMDC 1% जोड़ रहा है, कोची शिपयार्ड 1.5% जोड़ रहा है, इंडिया बुल हाउसिंग करीब 0.14% जोड़ता हुआ। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर आएगी, देखते हैं वो प्रशांत का अशोक बिल्कॉन कितना ऐड कर पाया है। तो कैचअप किया है, लेकिन रूपक अभी भी आगे हैं, 10.84% के रिटर्न्स रूपक के, 7.28% के रिटर्न्स प्रशांत के। वीरल भी पॉजिटिव साइड पर, 1.2% के रिटर्न्स पर इस समय बैठे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अच्छा, ब्रेक में जाते जाते निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रख देते हैं, ये 100 पॉइंट फिसल चुका है और निफ्टी भी 57 अंकों के नुकसान पर। आप लोग जो भी चेंज करेंगे उसका एक अपडेट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वो जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आएगी। और ऑफकोर्स 1 बजे हम मिड कैप मंत्र के दौरान उस पर एक नज़र डालेंगे। चले लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।